हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे आपके जीमेल में जितने भी आपका जो होता मैसेज आता है, उस मैसेज को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं सभी, तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे बारी बारी से आप डिलीट करने का ऑप्शन आता है इसमें, तो मैं एक नया तरीका बताऊँगा। उसमें आपको 100% आपका जो होता एक ही साथ जितने भी जीमेल रहता है आपका फुल हो जाता मैसेज का इनपुटी, और आपको पूरा जीमेल डिलीट करना चाहते हैं एक साथ, तो बिल्कुल आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर अप्लीकेशन को ओपन करिएगा, जो देख सकते हैं फ्रेंड। यहां से इस पर क्लिक करेंगे, मेनू बार को ओपन करेंगे। जैसे मेनू बार को ओपन करेंगे तो यहां से देख सकते हैं क्रोम का ऑप्शन है, इस क्रोम ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्रोम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आपका फोन लोडिंग लेगा, और जैसे लोडिंग लेगा उसके ऊपर से यहां से आपको सर्च कर लेना है जीमेल। जैसे देख सकते हैं यहां से हम जीमेल लिखेंगे, जैसे जीमेल अकाउंट लिखेंगे या जीमेल लिखेंगे, जस्ट इस तरह से आपका फोन लोडिंग लेगा, उसके पास इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से देखते हैं जीमेल का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको जीमेल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे जीमेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करने बाद डेस्कटॉप साइड में कर देना है। जैसे डेस्कटॉप साइड में करेंगे तो यहाँ से आपको इस तरह से आ जाएगा, और आने के बाद फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं आपका जीमेल होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फोन लोडिंग लेगा, काफी ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइड में आपको ओपन होना चाहिए, और जैसे इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका फोन लोडिंग ले लगा, जैसे आपका डाटा स्पीड देगा, उसके ऊपर से फिर आपका इस तरह से जितने भी मैसेज रहेगा पूरा डिटेल में शो कर देगा। और जैसे देख सकते हैं मैसेज डिलीट कर चुके हैं, कुछ हमारा मैसेज है तो इसमें हमारा शो कर रहा है। और जैसे एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से इस पर इनबॉक्स का ऑप्शन है, इस इनबॉक्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहां से देख सकते हैं आपका जिस जीमेल से आप डिलीट करना चाहते हैं अपना मैसेज जो था जीमेल का, तो यहां से आपको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं आ रहे हैं, लोगों को क्लिक करेंगे तो आपका जितने जीमेल रहेगा यहाँ से आ जाएगा। उसके ऊपर से फिर आपको यहाँ से आने के बाद यहाँ से आपको इस बारी बारी पर नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में देख सकते हैं ऑप्शन में आएगा, ऊपर में देख सकते हैं साइड के ऑप्शन में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा जूमिंग करने के बाद यहाँ से इस तरह दिखाई देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कट कर देना है, और कट करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में है ऑप्शन पर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आल आ जाएगा सेलेक्टेड, जो देख सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है, और आल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहां से आपको देख सकते हैं डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहां से आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो तुरंत आपका डिलीट हो जाएगा। जो देख सकते हैं इस तरह से हमारा क्लियरली डिलीट हो चुका है, और आप भी डिलीट कर देंगे तो इस तरह से आपका डिलीट हो जाएगा, और फिर से आप इसको रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर नहीं होगा, ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और इस तरह से आप क्लियरली आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, बारी बारी से जो आपको इंपोर्टेड रहे उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से आप अलर्ट आल लगाएंगे तो इस तरह से आल हो जाएगा, इस तरह तरीके से डिलीट हो जाएगा एक साथ। तो फिर ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।